मॉर्निंग होवे लगा सब बच्चा लोग के। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्ते। आप सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, जैसे आदित्य, राज, भव्या कुमार आपका कैमरा ऑन नहीं है, प्रेरणा कुमारी कैमरा ऑन नहीं है, बेटा आप कैमरा ऑन करेंगी, सभी बच्चे करेंगे अपना कैमरा ऑन जिससे मैम आपको देख सके। और ये रिद्धि आप पढ़ाई करती है क्या? बैठिए पहले रिद्धि सिंह, उठ के बैठिए। और जो बच्चे गंजी में बैठे हुए हैं जाकर के अपना गंजी चेंज कीजिए, शर्ट पहनिए। और यहाँ ओ माय गॉड इतने सारे बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, फटाफट फटाफट स्विच ऑन योर कैमरा। क्या बात है बेटा, आप कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हैं? गुड, वेरी गुड। एनम ऐसा अच्छे से बैठेंगी, अकेले बैठेंगी, खेलेंगी नहीं। रक्षित अच्छे से बैठेंगे, बिस्तर पे घुलटियां मार रहा है। त्रिशा पटेल, आयुष्मान चौहान, सुप्रिया कैमरा ऑन करो, वेदांग कश्यप कैमरा ऑन कीजिए, आरव, त्रिजा, परिधि, आयुष्मान, पलक कुमारी, आराध्या सिंह कैमरा ऑन करो। मतलब आपके नेम लूंगी तब आप कैमरा ऑन करेंगे। वाह हर्षराज, हर्षराज आज मस्ती के मूड में है ना, सो के क्लास करेंगे। चलिए भाषा अभ्यास, और ऑलमोस्ट हमारे सभी दोस्त जुड़ चुके हैं। तो भाषा अभ्यास Yes, ma'am. मेरे बच्चों को बस मौका मिलना चाहिए। Yes, ma'am. हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देख करके। Yes, ma'am, बोलिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am, क्या हुआ? मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आप लोगों ने क्या किया था, बुक को गुम कर दिया था, फिर मैम बड़ी मुश्किल से बुक को ढूंढ के लाई है आपके पास। तो भाषा अभ्यास है, और भाषा अभ्यास में आप सभी को पता है कि हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं। क्या हुआ मैम? कितना करना है?
ये बेस सब बच्चे देख रहे हैं ना, ये तो सब आपको कर चुके हैं। मैम पेज नंबर 36। प्यारे पेड़ भी हमने कर लिया है। हाँ अब आगे हम है ना प्रत्यक्षा, प्यारे पेड़ का प्रश्न 6, 7, 8, 9 ये हमने लास्ट क्लास में किया था। और पिछली क्लास में मैंने आप सभी को क्या बोला था, पिछली क्लास में आपको बोला था ना स्कूल से संबंधित जितने भी हैं वो आपको शब्दों को लिखना है। अब आते हैं हम बादल पर, बादल कविता हमने पढ़ा भी है और अब हम आते हैं बादल पाठ पर, ठीक है। तो बादल का पहला है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को दिखाई दे। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को पेज दिखाई दे रहा है, बादल, ठीक है। बादल में हमें क्या करना है, प्रश्न एक, कैमरा ऑन करो सिद्धि, चलिए ये है अभ्यास 9 बादल, ठीक है। और आज का CW और डेट मस्ट डालेंगे, ठीक है। CW और डेट डालना है ना आप सभी बच्चों को, CW और आज की डेट क्या है, आप में से किसी को पता है आज की डेट क्या है? यस लिख दीजिए, मैसेज कीजिए, मैम देख रही हैं। आज की डेट है हमारी 22 07 यानी कि जुलाई एंड 2021, ओके। एंड देन आफ्टर अब हम लोग आते हैं एक पाठ बादल के आधार पर दिए गए वाक्यों में सही जोड़ा चुनकर लिखिए, ठीक है। पाठ बादल के आधार पर यानी कि हमारे किताब में जो कविता है बादल उसके आधार पर हमें करना है। तो पहला क्या है, क डैश ढोल बजाए बादल, क्या होगा यहाँ पर, ढम ढम है ना, ढम ढम ढोल बजाए बादल। धम धम ढोल बजाए बादल, बिजली चमके चम चम, छम बूंदे बरसे छम छम, सनसन करती हवाएं चली, ठीक है। ये यहाँ पर दे दिया है, अब आप देखो आपको क्या करना है, धम धम ढोल बजाए बादल, ख चम चम बिजली चमके, ग छम छम बूंदे बरसे, घ सनसन करती चली हवाएं। तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसे आपस में मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर
फिल इन द ब्लैंक, जो खाली जगह है वहां पर लिखेंगे। आदर्श सिंह लिखिए बेटा, प्रियांशु लिखिए बेटा, सॉरी श्रेष्ठ ने लिख लिया है, शिवांगी ने लिख लिया बेटा, ओके, मानवीय भी लिख रही है, जो बच्चे लिख रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लेंगे। प्रत्यक्षा एक्टिंग थोड़ा करना है, ओके। अब हम दूसरा आपको प्रश्न करवाते हैं, और दूसरा प्रश्न आपका क्या है, दूसरे प्रश्न में दिया है दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। तो समान लय वाले शब्द, ठीक है, बोले, बोले का समान लय क्या होगा, खोले हो सकता है ना, डोले हो सकता है, खोले हो सकता है, उसके बाद फिर अगला है उमड़े, उमड़े का आप घुमड़े लिख सकते हैं, घुमड़े, बजाए, बजाए का सजाए भी हो सकता है, सजाए, सुनाए, चमके, काले, मैंने तीन किया और तीन अब आप करेंगे, ठीक है, चमके, दमके, सुनाए, बुनाए, काले, सुनाए का बुलाए भी हो सकता है, बुलाए, चमके, दमके, काले, नाले, जाले, तो तीन मैम ने लिख दिए और तीन अब आपको लिखने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में मैम ने तीन आंसर लिखा, तीन आप लिखेंगे, और मैम ने एक ऑप्शन भी दे दिया, सुनाए का क्या हो सकता है, सुलाए भी हो सकता है, बुलाए भी हो सकता है, चमके का दमके, दमके भी हो सकता है, और काले का ओके तो अभी जो मैम ने इस पेज पर लिखा है इसको मैम डिलीट कर दे रही है, ठीक है, ये ड्राइंग जो है क्लियर कर दे रही है। अब इस पे हम लोग नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, थोड़ा पेज को छोटा करती है मैम, ठीक है। आप ये है, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर तीन दिख रहा है, यस, प्रश्न नंबर तीन में क्या करना है हमें, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना, देखिए तो क्या लिखा है, तीन सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, और ये रहा हमारे शब्द, यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे शब्द, है ना, ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम लोग करेंगे, पौधों में पानी दो वरना सूख जाएंगे, ठीक है, उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी, उसके बाद मुझे खाना बनाना नहीं आता, आज शाम को हमारे यहाँ मेहमान आएंगे,
अध्यापिका कक्षा में है। अध्यापिका कौन होता है? टीचर होती है, फीमेल टीचर्स। ठीक है, तो देखिए जहां पर जो शब्द जाएगा मैम ने एरो लगा दिया है, ठीक है, कि कौन से शब्द कहां पर जाएंगे ये मैम ने टिक कर दिया है। आपको भी क्या करना है, इसे टिक करना है और फिर आपको वो शब्द लिखने हैं। तो चलिए लिख लीजिए, राहुल, कर्ण आपने लिख लिया है क्या? नहीं लिखे हैं तो लिखिए। किसका लेना? ओके चिल्ड्रेन, आप फटाफट इसे कंप्लीट कर लीजिए। कुछ बच्चे अभी कर रहे हैं, कीजिए फटाफट। मैं ये पेज आराध्या कुमारी आपने लिख लिया। अभी मैं इस पेज को डिलीट करती हूँ, आई मीन टू से जितना मैंने कहा लिखवाया है उसको अभी इरेज करती हूँ और फिर इस पेज के नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग जाते हैं। देखो नेक्स्ट पोर्शन क्या है, इसको हम लोग इस साइड से देखेंगे क्योंकि दूसरे साइड में आप लोग हैं, इसलिए आप लोग इधर शिफ्ट हो जाइए। ओके, अब यहाँ देखिए पेज नंबर आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 37 आप देख सकते हैं दिया हुआ है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर लिखिए कि उनमें क्या हो रहा है। चित्र आपको दिख रहा है ना, चित्र में क्या है आपको तो सभी बच्चों को दिख रहा है। अब क्या करना है, हमें चित्र देख करके वाक्य बनाने, ठीक है। तो पहले चित्र में क्या हो रहा है, दो बच्चे क्या खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे गेंद खेल रहे हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरे पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, अब आप देखिए और समझिए, छतरी है, छाता है, बारिश है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आदमी पैदल चल रहा है, आदमी छाता लेकर चल रहा है, बारिश हो रही है, आदमी के पास काला छाता है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको क्या बताना है वहां पे क्या काम हो रहा है। तो पहले पिक्चर में खेलने का काम हो रहा है, दूसरे पिक्चर में क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, पहला चीज बारिश हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा चीज क्या हो रहा है कि वो आदमी छाता लेकर के पैदल चल रहा है, तो ये भी तो एक काम है, ये भी एक काम हो रहा है। तीसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, माँ है खाना बना रही है, औरत खाना पका रही है, और चौथे चित्र में है वॉशरमैन, धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है ना। और फिर सबसे लास्ट पिक्चर में क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा पढ़ रहा है, तो आप लिख लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, या उस बच्चे को नेम दे दीजिए और पढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से आज हमने क्या क्या किया, पेज नंबर 36
और पेज नंबर 37 भाषा अभ्यास में कंप्लीट किया। आज हमने क्या किया, पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 भाषा अभ्यास में हमने कंप्लीट किया। इसके साथ ही बादल कविता सब बच्चे याद कर लिए हैं, और बादल कविता तक यानी कि पेज नंबर 37 तक भाषा अभ्यास में अगर किसी बच्चे का काम पूरा नहीं है तो वो अपना काम पूरा कर लेगा, ठीक है। तो मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, और अब अगर आप बच्चों में से किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे चैट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। का काम आपने कंप्लीट किया है, मैं जिन जिन बच्चों के नेम बोलूंगी वो मुझे अपने काम दिखाएंगे आज का, ठीक है। आज का काम मैं जिन जिन बच्चों को बोलूंगी वो लोग दिखाएंगे। सत्यम कुमार काम दिखाइए, देखते जाइए अभी कितने बच्चे काम नहीं किए हैं। सत्यम कुमार, हाँ वेरी गुड, जितने बच्चे काम किए हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अमूल्य सिंह, आकर्ष दिखाइए अपनी बुक, आकर्ष बुक दिखाइए, आराध्या बुक दिखाइए, पृथ्वी राय बुक दिखाइए। अब आप लोगों में तहलका मचने लगा, इधर से उधर घूमने लगे। पीहू बुक दिखाइए, आकर्ष गुम हो गए, आकर्ष को मैंने बोला बुक दिखाइए तो आकर्ष गुम हो गए। ओके आराध्या कुमारी देख रही हूं मैं। ओके प्रत्यक्षा चहर बुक दिखाइए, आपका कैमरा ऑफ है, मैं आपको देख दिखा ही नहीं सकते आपको। समर वेदांग कश्यप बुक दिखाइए। समर बेटा मैम तो लाइन खींचती है इसलिए ना, क्योंकि मैम आपको इशारे से बता सके कि कहाँ कहाँ तक हुआ है। प्रत्यक्षा बुक दिखाओ बेटा, आप लोग लाइन खींचेंगे तो फिर वो गंदा हो जाएगा। ओके लिखो लिखो बेटा, पृथ्वी
पलक, ठीक है। समर मुझे आपकी शकल नहीं देखनी है, बुक देखना है। जब बुक बोलते हैं तो बेटा बुक दिखाइए। आधे बच्चे तो अपना कैमरा ही ऑफ कर लेते हैं कि नहीं हम देखेंगे। सॉरी श्रेष्ठ, बुक दिखाओ बेटा। पृथ्वी की भी बुक दिख रही है, थोड़ी सी ऊपर करेंगे श्रेष्ठ। सर्वेश्वरी ने दिखा दिया। यस मैम। यस मैम, मैं दिखाती हूँ, रुक जी। बैक कैमरा। आरोही बुक आपका कंप्लीट हो गया है? आरोही बुक दिखाइए। आरोही हो गया? सॉरी बेटा, हाथ नीचे कर लो, बुक फट जाएगी, थक भी जाओगे। यशस्वी आर्या बुक दिखाइए। सॉरी शेखर बुक दिखाइए। सॉरी शर्मा बुक दिखाइए। सॉरी शर्मा को बुक दिखाने के लिए बोला, सबसे आसान तरीका है, सॉरी शर्मा ने कैमरा ही ऑफ कर दिया। सॉरी ऑन करो कैमरा, दिखाओ बुक अपनी। यशस्वी आर्या एंड आराध्या आर्या, आप अपनी किताब दिखाइए जहां आज का आप काम, आपने काम किया है, या आप लोगों ने काम किया ही नहीं है। अनम्यूट कीजिए यशस्वी अपने आप को। आपने काम किया है बेटा? नो मैम। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया बेटा? अच्छे बच्चे ऐसे काम करते हैं, बोलिए। नो मैम। तो आप अच्छी बच्ची है ना, आप दोनों तो अच्छे से काम करती हैं, फिर आज क्या हो गया कि आपने काम नहीं किया? बोलो, फर्स्ट तो बोलो। प्रेरणा, बुक दिखाइए। चित्रांश बुक दिखाइए। रियान हुसैन बुक दिखाइए। उत्कर्ष बुक दिखाइए। ओके, हिलाओ नहीं ज्यादा। तनिष्का बुक दिखाइए। उत्कर्ष आपका हाथ बहुत हिल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। चलिए आपने काम किया है। तनिष्का बुक दिखाइए। प्रेरणा बुक दिखाओ जहाँ काम की हो, अगर बुक में नहीं की हो तो पेज दिखाओ। ओके रियान, देख लिया मैम ने, वेरी गुड। प्रेरणा काम, हाँ नाउ तनिष्का बुक दिखाइए। अजितेश, ऋषा, ये तो अच्छा है भाई, आपको 5 मिनट पढ़ाओ और 15 मिनट आपसे चिल्ला चिल्ला के बोलो कि बुक दिखाइए। सबसे सिंपल वे क्या है बुक दिखाने का, मैम ने बताया है ना। अनुभूति बेटा बुक दिखाइए। ओके बेटा,
अनुभूति अनम्यूट योरसेल्फ, एक मिनट. अच्छा आप मेरे को रिप्लाई करेंगे अनुभूति यस और नो में, ठीक है? श्री ला करें. आपका सारा काम कंप्लीट है बेटा? ओके ओके. हेलो, मैं अपने नेटवर्क से ले रही हूँ तो इशू नहीं है. ऐसे मिडिल विंग में जाके क्लास लेना पड़ेगा, ऐसे है इशू है यहाँ पे, नेटवर्क इशू है.